बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट तीज के लिए, सत्तू के लड्डू, सत्तू बना के तैयार करेंगे इतने स्वादिष्ट खाने में, बहुत ही जबरदस्त। तो फटाफट सी बना के तैयार कर लेते हैं। नमस्कार, संतोष किचन में आपका स्वागत है। तो तीज के लिए, त्योहार के लिए, तीज के लिए बनाएंगे आज सत्तू, तो बहुत ही स्वादिष्ट और घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो हम बाजार से लाते हैं तो हमारे को पता नहीं क्या क्या यूज में लेते हैं, तो घर पे बनाते हैं तो पूरा पता रहता है, तो हम इस्तेमाल करते हैं सामान का। तो घर पे ही आज सत्तू बना के और टेस्टी सा बना के तैयार करते हैं। तो मैंने लिया है, ये घर पे ही आटा बनाया है चने का, सत्तू ये घर पे ही बनाया हुआ है, छिलका उतार के और मिक्सी में पाउडर बना लिया इसका। और ये लिया है इलायची कुटी हुई 4-5, ये बूरा लिया है, और ये देसी घी है 1 कटोरी, लगभग 100 ग्राम। तो ये 150 ग्राम सत्तू है। अब इसमें डालेंगे बूरा, बूरा आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। अब डाल देंगे इसमें इलायची कुटी हुई और इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे, एक भी गांठे नहीं होनी चाहिए बूरा में। ये घर पे बना हुआ सत्तू स्वादिष्ट और टेस्ट भी बहुत लगता है, वैसे मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको मीठा जितना पसंद हो उतना डाल सकते हो, मैंने 50 ग्राम बूरा के लगभग डाल लिया है, और घी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ घी ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर ज़्यादा घी डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो घी को गरम कर लिया है मैंने, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे घी डालेंगे, एक साथ घी बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो अभी सूखा सूखा लग रहा है, अभी घी और डलेगा इसमें। वो डाल लेते हैं घी और फिर मिक्स कर देंगे। अगर टेंशन की बात नहीं है, घी ज्यादा भी गिर जाएगा तो उसको भी एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सत्तू और मिला देंगे तो ये फॉर्म में आ जाएगा। तो लग रहा है अब घी सही है इसमें, इससे ज्यादा घी नहीं डालेंगे। तो इसको कर लेंगे इकट्ठा। तो इकट्ठा कर लिया है, देखिए ये बिल्कुल सही बना है, नहीं ज्यादा घी है नहीं कम है। अगर इसमें घी कम है तो और डाल सकते हैं, और अगर ये गीला हो जाए, घी ज़्यादा गिर जाए, पहले बात तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, और घी ज़्यादा भी गिर जाएगा तो थोड़ा सत्तू का इस्तेमाल करके और इसको सही कर सकते हैं। तो इस हिसाब से लड्डू बनाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा चपटा कर देंगे इस हिसाब से, देखिए, और रख देंगे। तो इस हिसाब से दूसरा भी बना लेते हैं। लड्डू बना लिया है, इसको थोड़ा चपटा कर देंगे, इसको भी थोड़ा चपटा कर दिया। फिर तीसरा भी बना लेते हैं, इसमें 3 सत्तू बने हैं। तो हमने 150 ग्राम ही लिया था सत्तू, तो ये सत्तू के हिसाब से बनेंगे। लड्डू बना के फिर इसको चपटा कर देंगे। तो इनको रख देंगे प्लेट में। तो कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में। तो ये हमने लिया है थोड़ी पिस्ता और खरबूजे के बीज, इनको इससे सजा देंगे, कैसे भी सजा सकते हो आप। आप गुलाब की पंखुड़ी भी से सजा सकते हो, पर मेरे पास है नहीं, तो इस हिसाब से ये सजाने से ज्यादा अच्छा लगता है। उसको भी सजा ले। तो
देखिए सत्तू बन के और तैयार हो गया, कितना स्वादिष्ट लग रहा है और टेस्टी भी लग रहा है। तो घर पे आसानी से सत्तू बना के तैयार कर सकते हैं। मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको, देख लीजिए बहुत ही टेस्टी लग रहा है और अच्छा भी कितना लग रहा है। तो आप भी जरूर घर पे सत्तू बना के तैयार कर सकते हो टेस्टी। तो मेरे को जरूर बताएं कमेंट करके आज की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। आज के लिए थैंक यू।